हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कि शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो LDL होता है इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं HDL। तो HDL का लेवल हमेशा हमारे शरीर में हाई होना चाहिए और LDL का लेवल हमेशा लो होना चाहिए। लेकिन जब यही उल्टा हो जाता है कि LDL का लेवल अधिक हो जाता है और HDL का लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज की जो समस्या होती है, उनके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारियां होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की समस्या हो सकती है। तो ये सब किस वजह से होता है? जब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल शरीर में बढ़ जाता है, तो उस दौरान जब आपको कोई ऐसी दिक्कत होती है, डॉक्टर आपका टेस्ट करवाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसको कम करना जरूरी है, और उसके लिए वो कुछ मेडिसिन भी लिखती हैं। तो हमको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो जाए? तो इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो ये कैसे बढ़ता है। जैसे कि हमारे किचन में, हमारे फूड में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि अगर हम आवश्यकता से अधिक उन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो इसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। जैसे कि अगर हम बहुत अधिक फास्ट फूड का यूज करते हैं, या फिर बहुत अधिक तली भुनी चीजों का यूज करते हैं, या फिर बहुत अधिक मात्रा में जो डालडा है या फिर रिफाइंड ऑयल है इसका यूज करते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारे शरीर में स्टोर होने लगता है। हमारा जो लीवर होता है, लीवर की जो सेल्स होती हैं, वही बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करती हैं। तो अब जब हम ये ले रहे हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाती हैं। और जब इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है तो हमको तरह तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो शुरुआती इसके जो लक्षण होते हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो जब जो ये ब्लड वेसल्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, हमारा हार्ट का काम होता है कि वो हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पहुंचाता है, किस लिए? हमारे पूरे शरीर के जो भी ऑर्गन है, जो भी अंग है, उनको काम करने के लिए ब्लड की नीड होती है, क्योंकि खून ही एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा तत्व होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें वो सभी चीजें होती हैं जो हमारे ऑर्गन को चाहिए। तो ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन भी होती है जो हमारे बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको चाहिए। तो जो ब्लड होता है वही पूरे बॉडी में ये सारी चीजें सर्कुलेट करता है। और ये ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनके द्वारा सर्कुलेट होता है। लेकिन अगर ये जो नली है, खून की जो ये नलियां हैं, अगर इन्हीं में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। यही चीज होता है कि जब LDL जो कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक मोम लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो इन नलियों के किनारे किनारे जो दीवार होती है उस पर चिपक जाता है। जैसे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक नली है। अब इसके किनारे किनारे जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है, चिपकना शुरू कर देता है। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसे चिपकता चिपकता इसकी जो लेयर है वो मोटी हो जाएगी, तो अब यहाँ का जो पैसेज वे है, यहाँ का जो रास्ता है, वो क्या है, एक तरह से संकरा हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, पहले ये फुली क्लीन और नीट एंड क्लीन था, इसमें आसानी से ब्लड फ्लो हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि अब यहाँ दोनों तरफ क्या हो गया है, किनारे किनारे वॉल पे एक लेयर जम गई है, और उस वजह से ये रास्ता पतला हो गया है। तो अब पहले जिस भी फ्लो में ब्लड बह रहा था उसमें नहीं बह पाएगा, इसका फ्लो बाधित होगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो लेयर है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, ये टूट जाती है, और टूट के इसी ब्लड में मिक्स हो जाती है, फिर ये क्या करती है, ब्लॉकेज पैदा करती है, और फिर वहीं पे व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या, स्ट्रोक की समस्या, और कभी कभी तो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो आयुर्वेद की हम बात करें या फिर एलोपैथ की बात करें, दोनों में दवाइयां भरपूर हैं जिसके द्वारा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दवाइयों के साथ साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जो जीवन शैली है, अपना जो खान पान है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, तो इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को आसानी से कम कर सकते हैं मात्र कुछ ही दिनों में, और इसका रिजल्ट हमको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। खाली दवाइयों के भरोसे अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात कहें तो शायद इसका गलत इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे पड़ सकता है, क्योंकि दवाइयों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग भी घातक होता है।
तो जो हम दवा खा रहे हैं मे बी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हो सकता है उसकी वजह से कोई दूसरी दिक्कत हमको शुरू हो जाए। तो अगर हम अपने खान पान को सही करें, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको खा के ही हम बहुत सारे रोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो दवा नहीं है बल्कि क्या है, खाना है। और खाने के थ्रू हम उन चीजों को ले रहे हैं, उन कंपोनेंट को ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले मेडिसिन की, सबसे पहले अगर हम मेडिसिन की बात करें कि कौन सी दवाइयां हैं जो हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ले सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, इसको बोलते हैं नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। ये क्या है, ये जो विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसी के ग्रुप का एक विटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी थ्री। तो जो विटामिन बी थ्री होता है उसी का केमिकल नेम होता है नियासिन। तो इसका यूज किया जाता है जब भी बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है उस दौरान। तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने वाली सेल्स होती हैं उनमें से जो लाइपोप्रोटीन बनता है, उस लाइपोप्रोटीन के बनने के प्रोसेस को धीमा कर देता है, जिसकी वजह से जो ये एलडीएल का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाली सेल्स होती हैं, जो लाइपोप्रोटीन होता है जिसके द्वारा बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, जब उसका प्रोडक्शन कम होगा, वो कम मात्रा में बनेगा या फिर उसके बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, तो इसका लेवल अपने आप शरीर में कम हो जाएगा। और जब इसका लेवल कम होगा, तो एचडीएल है, इसका लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एचडीएल क्या है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका काम होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको ये रेगुलेट करता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो फैट होता है उसके पाचन में भी ये हेल्प करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है, जिसको हम एलडीएल कहते हैं। तो अगर एलडीएल का लेवल बढ़ा है तो हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम स्टैटिन नाम की मेडिसिन आती है जिनका यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है, क्योंकि जहां हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए ये मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है कि इसकी वजह से कोई दूसरी दिक्कत शुरू हो जाए। तो पहले हमको डॉक्टर से इसके लिए सलाह जरूर लेनी है, कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब तो ये हो गई कि दवा की बात, दवा से हम किस तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने खान पान की, खान पान से हम किस तरह से अपने बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, तो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि अगर हमको कारण पता होगा तो उसका निवारण हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी बीमारी का अगर हमको कारण पता है तो वो दिक्कत होने से पहले ही हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि अगर हम अपने खाने में नमक का सेवन अधिक करेंगे तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो अब हम नमक अपनी डाइट में कम मात्रा में लेंगे, इसकी वजह से हमको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी तो उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमको अगर ये पता है कि अगर हम मैदे से बनी हुई चीजें खाएंगे, ज्यादा चीनी युक्त चीजें खाएंगे, मार्केट की चीजें खाएंगे, डिब्बा बंद चीजें खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, तो हम ये नहीं खाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी ही नहीं। लेकिन अगर हो गई है बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या, तो हम इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं या फिर हम अपनी डाइट में सुधार कर सकते हैं। तो हमको क्या सुधार करना है, तो सबसे पहले हमको जो भी चीजों से नुकसान है वो चीजें अपनी डाइट से हटानी है। जब हम वो चीजें हटा देंगे तो धीरे धीरे इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे तो भी बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। डाइट प्लान से जब हम किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अब उसके लिए हमको करना क्या है, हमको जो भी मैदे से बनी चीजें हैं, मार्केट की चीजें हैं, डिब्बे वाली चीजें हैं, या फिर जो पैकेट वाली चीजें हैं, ज्यादा तली भुनी चीजें हैं, ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिनमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्वीटी है, उनको अपने डाइट में से हटा देना है, उनको नहीं लेना है, जिस वजह से ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल हमारे शरीर में ना बढ़े। इसके बाद जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें खास करके हरी पत्तेदार सब्जियां और जो फाइबर इस डाइट होता है, जैसे जिसमें रेशेदार चीजें ज्यादा हों,
वो हमको लेना चाहिए। अब अगर हम कोई दाल खा रहे हैं तो दाल वही खानी चाहिए जिसमें छिलका हो। अगर आप मूंग की दाल खा रहे हैं, उड़द की दाल खा रहे हैं, मसूर की दाल खा रहे हैं तो उसको साबुत खाइए, मतलब उसमें छिलका हो, छिलके वाली दाल खाइए, क्योंकि उसमें क्या उसमें फाइबर होगा, और जब फाइबर होगा तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हमारी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में भी जैसे अगर हम देखें जो पत्ता गोभी होता है जिसको हम कैबेज कहते हैं, या फिर लौकी हो गया, कद्दू हो गया, आलू हो गया, इन सबको हमको छिलका सहित खाना चाहिए, इसका छिलका नहीं निकालना चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनका छिलका निकालना जरूरी होता है, लेकिन इन सब्जियों को हम बिना छिलका उतारे अगर खाते हैं तो ये हमारे बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को आसानी से कम करने का काम करती है। इसके अलावा आप एक और घरेलू उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको, मेथी लेना है। मेथी सबकी किचन में होती है और हम उसको अपने सब्जी बनाने में या फिर अगर किसी चीज का हमको तड़का देना है तो हम इसमें यूज करते हैं। आप मेथी का यूज करिए, 110% आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। लेकिन इसको आपको 3 महीने तक कंटिन्यू यूज करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो अपने लेवल पे आ जाएगा। तो इसको हमको कैसे लेना है, तो इसके लिए सिंपल सा है कि आप रात में एक चम्मच मेथी का दाना एक गिलास पानी में भिगो दें, और मेथी को हो सके तो धुल के भिगोएं, क्योंकि सुबह वो पानी आपको पीना भी है। तो रात में आप एक चम्मच मेथी का दाना एक गिलास पानी में भिगो दीजिए, उसको ढक के रख दीजिए, और सुबह ब्रश करने के बाद आप उस मेथी दाने को चबा चबा के खा जाइए और उस पानी को पी लीजिए। और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप मेथी दाना खाएंगे, पानी पियेंगे, उसके एक घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप ये कंटिन्यू 3 महीने तक करते हैं तो आपका जो बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इजीली कम हो जाएगा 110%। इसके अलावा जो मैंने बताया आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका जो वेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, या फिर अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, डायबिटीज है आपको, तो उन रोगियों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, या फिर ये कहें कि ये भ्रम रहता है कि मेथी की तासीर गर्म होती है, ये गर्म करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेथी की जो तासीर होती है वो किसी भी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं होती है। अगर आपको गैस की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो इन सब में मेथी बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया, जो भी मैंने आपको खाने की चीजें बताई, आप उसका यूज कर सकते हैं। और एक खास बात कि अपने खाने में थोड़ा सा मोटे अनाज का भी आप प्रयोग करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इस तरह से अपना जो बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज भी हैं उनको कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो वो आप करिए ही। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, ये सभी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनका कोई एक फायदा नहीं होता, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, घरेलू ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें कम से कम 3 महीने मतलब कि 90 दिन आपको ये करना होता है, उसके बाद ही इसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल स्टार्टिंग में बढ़ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, उसी तरह से इसका भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे, डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे, तो आपको इसका असर दिखेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।